अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के मज़ेदार से कटलेट, जिसके लिए हमें चाहिए ये 5 मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। 1 पाव मैंने बोनलेस चिकन ली थी, उसको मैंने हल्दी और नमक के साथ बॉयल करके उसके रेशे कर लिए हैं। 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना लिया है मैंने, 1 अंडा है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मायनीज, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें लिए जिनको मैंने बारीक काट लिया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे मैशर से। आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए। अच्छी तरह से मैश हो गए। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। चिकन शामिल करेंगे हम इसमें, पुदीना शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, मायनीज डालने से इसका बहुत अच्छा जूसी सा फ्लेवर आता है, चिकन पाउडर, ज़ीरा, हरी मिर्चें, इसे सारे ड्राई मसाले डालेंगे, सोया सॉस और चिली सॉस। ये डाल के हम इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथ मैंने धो लिए थे, अभी अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है इसके अंदर। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। चलिए 5 मिनट्स हो गए, अब हम इसके कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। जो साइज आपको रखना हो उसी हिसाब से। थोड़ा सा मैं ऑयल हाथों पे लगा लूँगी, बनाते जाएं और रखते जाएं। ये देखें, इसको थोड़ा सा हमें मोटा रखना है। ये देखें, आप इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखें मैंने बना लिए सारे कटलेट्स। अब इसको कोटिंग करते हैं, साइड पे करते हैं। मैंने एक अंडा लिया है, फेंट लेते हैं। इसमें 1 चुटकी नमक डालूंगी मैं, ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे, ये
फ्राई पैन रखेंगे चूल्हे पे जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा। ऑयल को मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है इसको हम उठाएंगे एक टिकिया को, अंडे में डिप करेंगे। दूसरे हाथ से इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह वन बाय वन सारे कटलेट्स उठा के हम पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में और फिर फ्राई करेंगे। इनको मैं स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। दो तीन मिनट मैंने हल्की आंच पे इसको फ्राई किया, इसको पलटते हैं। ये देखें इतना अच्छा सा कलर आ रहा है, मतलब गोल्डन कलर करना है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कुक हैं। ऐसा मैं इनको कलर देना है एक अच्छा सा। हमारे मज़ेदार से कटलेट्स तैयार हो रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं दिखने में। चलिए अब हम इनको निकालते हैं, 5 से 6 मिनट लगे हैं इनको कुक होने में। चलिए इनको निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर पे मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें हमारे मज़ेदार से कटलेट्स तैयार हैं। चले अब हम इसके साथ एक मज़ेदार सी डिप तैयार करते हैं। डिप बनाने के लिए मैंने 2 स्पून जो है केचप लिया है, हाफ टी स्पून चिली सॉस, और 3 टेबल स्पून मैंने मायो का गार्लिक लिए। गार्लिक सॉस लिया, अब इसको मिक्स करेंगे। हमारी मज़ेदार सी सॉस रेडी है, चलिए अब इनको सर्व करते हैं। हमारे मज़ेदार से कटलेट्स तैयार हैं, बहुत यमी बनते हैं। आप ये सॉस ट्राई करें, इसके साथ बहुत यमी लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।